जिले के वाड्रफ नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत कर्मजीहा में आर्थिक तंगी से जीवन यापन करने वाले गरीबों को सामाजिक भेदभाव के चलते नीची जाति का बताकर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया। आर्थिक रूप से पिछड़े ये लोग नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। सवाल ये है कि सामाजिक अधिकारिता जैसी शासन की योजनाओं का लाभ इन तमाम जरूरतमंदों को क्यों नहीं मिल पा रहा। बोलने वाले साहब, इंक्वायरी करने वाले कोई नहीं है। नाला का पानी पीते पीते हम लोग मर गए। आओ, हम लोग की कुछ लाइट बत्ती कुछ नहीं है। आ न तो हम लोग के पास कुआई न रहा। हाँ बेटा, हम लोग छोड़ जाती है बसों, हम लोग जाते हैं गांव में पानी लेने के लिए से नल पर, तो हम लोग की कहते हैं कि यहाँ पर पानी हम लोग नहीं भरने देंगे। तू लोग नीच जात हो तो तू लोग अपने व्यवस्था कर लो, चाहे नदी नरवाती हो चाहे कहीं भी पी हो। विद्युत की व्यवस्था तो अलग विषय है। विद्युत की व्यवस्था है तो यदि नहीं है तो टोला मजरा स्कीम में जुड़ जाएगा। और यदि कोई जातीय विद्वेष से भेदभाव से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है तो शुद्ध लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। इसको हम लोग जाँच करेंगे और उसके बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। ये संभव नहीं है। सुदीप जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, जिन महोदय की हम बाइट सुन रहे थे उन्होंने कहा कि भाई तमाम चीजों का निराकरण किया जाएगा, अगर जातिगत भेदभाव किया जा रहा है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। अब तक पहुंचे जिम्मेदार वहां पे? जी, मैं बताना चाहूंगा इस सारे मामले में अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल शासन स्तर से नहीं किया गया है। और हमने लगभग कुछ देरी पूर्व, एक डेढ़ घंटे पूर्व एसडीएम और हमारे कलेक्टर साहब से भी बात हमारी हुई थी। बोले हमने निर्देशित किया है, उक्त घटना स्थल पे तत्काल टीम को भेजा जा रहा है और घटने की समस्त घटना की जानकारी ली जाएगी। ठीक है, डेढ़ घंटे पहले आपकी बातचीत हुई थी, कितना वक्त लगता है वाड्रफ नगर पहुँचने में, जिस जगह का ये पूरा मामला बताया जाता है, एक घंटा दो घंटा कितना घंटा? लगभग 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। हाँ। एक डेढ़ घंटे में वहाँ पे पहुँचा जा सकता है और वहाँ पर जाकर समस्या को समझा जा सकता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है सुदीप कि मुश्किल से 45 मिनट में पहुँचा जा सकता है आराम से, और स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेदार अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, लोग नाले का पानी पीने के लिए परेशान है, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों के चलते ग्रसित हो रहे हैं। और अगर हम गरियाबंद की बात करें तो पानी की वजह से कई लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या अभी भी जिला प्रशासन कुछ भी सीखने के लिए, सबक लेने के लिए तैयार नहीं है वाड्रफ नगर में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने शुरू में भी एक खबर दिखाया था जिसमें हमारे जिले। आपको रोकना चाहूंगी, एसडीएम बालेश्वर राम जी जुड़ गए हैं। राम साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और हमसे बातचीत करने के लिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर, वाड्रफ नगर का मामला, मेरे रिपोर्टर सुदीप ने भी आपसे बात की होगी, आप लोग मौके पे जाने वाले थे, क्या पहुंच पाए अब तक? जी जी बताएं सर। ये करमदिया गांव है। जी जी जी, पहुंचे आप लोग सर? जी करमदिया गांव है, वहां पे जो कुछ पटेल खुद भी परिवार के लोग रहते हैं वहीं पे एक सोलर पंप है। जी सर, सोलर पंप क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों ने वहाँ पे जाके देखी अभी तक और क्या शिकायतें मिली हैं आप लोगों को? नहीं, शिकायतें तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ। और वहाँ पर जो पता किया गया जी, तो वहाँ पे सभी जगह हैंडपंप है। वहाँ पे तीन मोहल्ले, उस जो मोहल्ले हैं उसमें से जो एक कुनबी परिवार के कुछ लोग रहते हैं, एक के बसोड़ परिवार से और एक हरिजन परिवार से, वो इसमें जो है लगभग 15-20 घर ऐसा है। और उसमें सभी जगह अलग अलग हैंडपंप है। ठीक है, तो जिस तरह से पानी पीने के लिए मनाही और उस तरह से जो बातें किया जा रहा है वो ऐसी बातें वहाँ सामने नहीं आई। सर, किस तरह से आप लोगों ने जांच की, क्योंकि मैं आपको बाइट सुनवाती हूँ, आप जरा बाइट सुनवाइए, मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि बाइट प्ले करें। यहाँ बोलने वाले साहब, इंक्वायरी करने वाले कोई नहीं है। नाला का पानी पीते पीते हम लोग मर गए। आओ, हम लोग की कुछ लाइट बत्ती कुछ नहीं है। आ न तो हम लोग के पास कुआई न रहा। हाँ बेटा, हम लोग छोड़ जाती है बसों,
हम लोग जाते हैं गांव में पानी लेने के लिए से नल पर, तो हम लोग की कहते हैं कि यहाँ पर पानी हम लोग नहीं भरने देंगे, तू लोग नीच जात हो तो तू लोग अपने की व्यवस्था कर लो, चाहे नदी नरवाती हो चाहे कहीं भी। विद्युत की व्यवस्था तो अलग विषय है, विद्युत की व्यवस्था है। राम जी सुना आपने? हाँ बहुत अच्छे से सुन लिया जी, अब बताइए सर। ये बातें ये आ गई है कि पहले लोग वास्तव में नाला के पानी पीते थे जी, वहाँ पर जो है 3 बोर कराया जा चुका था, उसमें से 2 बोर फेल हो गया है। पिछले 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 अभी गर्मी में जो 1 बोर कराया गया है, जो वो बोर उसी मोहल्ले में है, उसी लोग पानी पीते हैं सर। लेकिन दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी सर, प्रॉब्लम होगी इस वजह से ये, या पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा होगा इस वजह से ये अभी भी नाले का झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और जब ये दूसरी जगहों पर पानी भरने के लिए जा रहे हैं तो जातिगत इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है सर। स्थिति वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की है, गंभीर स्थिति है सर, आंखें मूंद के नहीं बैठा जा सकता। नहीं, इसमें एक सोलर पंप लगा हुआ है वहाँ पे, जो कुनबी परिवार से के लोग वहाँ पे नजदीक में रहते हैं, वहाँ पे जो नल लगा हुआ है जो सोलर पंप का, तो सोलर पंप से उस पर नल के ऊपर जो है पानी वो बाल्टी को उसको रख देते थे, तो इसलिए उनको नल के अगर उसको उस नल से यदि उसके ऊपर रख देंगे तो वो टूट जाएगा कह के केवल मना किया गया था, ये बातें सामने आई थी। ठीक है सर, मना किया होगा, लेकिन सर जातिगत भेदभाव किया गया है। देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी इस बात का जिक्र कर रही है, कोई अपने मन से तो इन तमाम चीजों को नहीं कहेगा, जिम्मेदार दिक्कत हो ही रही होगी सर, दिक्कत हो ही रही होगी, ये भेदभाव किया ही जा रहा होगा। नहीं, जिस तरह से जिस प्रकार से जो बातें आ रही है तो उसकी ठीक ठीक आप बने रहिए, सुदीप हमारे रिपोर्टर हैं। सुदीप जरा रामजी साहब को बताइए और क्या कुछ दिक्कतें, क्योंकि रामजी सर कह रहे हैं कि वहाँ पे जातिगत भेदभाव जैसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, वहाँ पे हैंडपंप लगी जरूर है लेकिन पेयजल पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। और रही बात जातिगत भेदभाव की, तो मामला यह है कि जब बसोर जनजाति के लोग हैंडपंप में या सौर सेट में पानी लेने जाते हैं तो उनको उस पर कदम रखने के लिए मना किया जाता है, ये हकीकत है। कुछ लोगों ने बाइट भी दी और कुछ लोगों ने मौखिक भी बताया जी। राम जी सर अब बताइए, दिक्कत है, आप भी मान रहे हैं पीने के पानी की वहाँ पे दिक्कत है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है सर, बारिश का मौसम है और लंबा वक्त गुजर गया है, शिकायतें होती जा रही, निराकरण नहीं हो रहा सर, तभी तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर वो पानी की कमी है की बातें आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, तो उसके लिए विस्तृत जांच करके उसका निराकरण किया जाए। सर कितना वक्त लगेगा सर, कम से कम आप एक आश्वासन स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से दे देंगे तो वाड्रफ नगर के ये तमाम ग्रामीणों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी सर। जरूर जरूर सर, कितना वक्त लगेगा सर, प्लीज कुछ मेंशन। जल्द यथाशीघ्र उसको हम तात्कालिक रूप से 1-2 दिन 3 दिन के बीच में उसको पूरी तरह निराकरण करने का प्रयास करें। सर हम कहेंगे आप 1-2 दिन और ले लीजिए, 1 हफ्ते में आप तमाम सुविधाओं का निराकरण करवा दीजिए तो बेहतर होगा सर, हम 1 हफ्ते बाद जरूर आपसे फॉलो अप लेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सुदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं ग्वालियर में पर्यावरण को